पर्सनल है, लाइक या 12th बोर्ड में रजिस्ट्रेशन था, तो जो जनरल और ओबीसी है वो पे कर रहे हैं 1500, और जो एससी है सर एक्चुअली दे आर पेइंग 50 रुपीज. कैन यू मेजर द गैप 50 रुपीज एंड 1500? सो फॉर व्हाट, किस चीज के लिए 1500 रुपए देने पड़ रहे हैं? सर फॉर बोर्ड रजिस्ट्रेशन, 12th बोर्ड रजिस्ट्रेशन. 12th बोर्ड रजिस्ट्रेशन जी, सीबीएसई. तो जो या सर सीबीएसई, तो जो ओबीसी थे एंड जनरल था, जनरल थे, उनकी फी थी 1500, एंड जो एससी थे उनकी फी थी 50. ओके, इट्स गुड कि वो एससी है 50 पे करे, वी हैव नो प्रॉब्लम, बट सर कैन यू एक्चुअली मेजर द गैप? वी आर पेइंग 1500 एंड दे आर पेइंग 50. ये तो हमारे सब स्कूलों के बच्चे नहीं, बट हम पे कर सकते हैं. ये 50 रुपए में भी और 1500 वाली भी, दोनों फीस सरकार पे किया करेगी आपके लिए, अब अगले बच्चों के लिए. सर ये देखिए, ये जितने इनपुट्स आप दे रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन, आपसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए हैं. अब तो आप निकल जाओगे, लेकिन थैंक्स फॉर रेजिंग दिस इशू, मेरे भी बहुत ध्यान में नहीं था. जब हम इतनी सारी फीस दे रहे हैं, इतने सारे किताबें, इतने सारे उस पर कर रहे हैं, तो 1500 रुपए क्यों खर्च कराएं बच्चे से? थैंक यू सर, थैंक यू. 1500 रुपए भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम कर सकते हैं. डन, ठीक है. तो आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं. एंड एक्चुअली लाइक आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ डिप्टी सीईओ एजुकेशन मिनिस्टर लाइक यू, बिकॉज़ इट इज एक्चुअली अ बिग थिंग कि हम सब का टीचर स्पेशली लाइक अस, आपसे क्यों इस तरीके से पर्सनल कॉन्टैक्ट हम व्यूज रख पाते हैं, और इस व्यूज पे इस तरीके से आपके द्वारा एक्शन लिया जाना. सो थैंक यू वेरी मच सर. फिर होता है अपनी बेटी पे, है ना? इसने मुझे बोला कि हमारे पापा को 1500 रुपये देने पड़ते हैं, स्कूल में बच्चे भी आते हैं, उनके तो बोले फीस माफ होनी चाहिए. और इसकी डिमांड पे फिर गवर्नमेंट के 5.5 लाख बच्चों की फीस माफ हो जाए, इसी ने आइडिया लिया था. 5.5 लाख बच्चों की फीस माफ हो गई गवर्नमेंट, आपके पास कोई पैसा होता है ऐसा नहीं है, तो 47 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होंगे, लेकिन 5.5 लाख बच्चों की जिंदगी. इनके खुद के भाई सर अभी 10th तो वो भी बेनिफिट होंगे. अपना फायदा हो गया.